हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत से कमेंट आते हैं कि आंटी काम कैसे जल्दी करें, तो घर के काम को जल्दी करने के लिए क्या करें। तो मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया और मेरी वीडियोस में आप मुझे देखते भी होंगे कि जल्दी उठना चाहिए। तो जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमें वैसे ही एक घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। यदि हम आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठ जाइए, तो 6 बजे उठ जाएंगे तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा और आपका सारा काम हो जाएगा। और सुबह जितनी फुर्ती शरीर में रहती है उतनी पूरे दिन में नहीं रहती है। तो सुबह सुबह जो फुर्ती आपको काम में रहेगी वो फुर्ती पूरे दिन में नहीं रहेगी। तो आप 1 घंटे में काफ़ी काम कर लेंगे। आपके बच्चे उठें, आपके हस्बैंड उठें, उससे पहले आप अपना काम कर लें तो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आज सुबह मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया था, मतलब जल्दी नहीं कि ऐसे तोड़ रही फोड़ रही कोई चीज़, ऐसे नहीं करना है। काम को करना अपने टाइम से है, धीरे धीरे करना है। लेकिन जल्दी उठ के और काम को, एक तो टाइम को मैनेज रखें कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले मैं उठ के और मेरे बेटे का नाश्ता बनाती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि दवाई लेती हूँ। तो सबसे पहले उठ के नहा लेती हूँ मैं, तो नहाने का एक सबसे बड़ा काम हो जाता है। कहते हैं कि 100 काम छोड़ के खाइए, 1000 काम छोड़ के नहाइए। तो आप नहा लेते हैं तो फिर आप अपने भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, किचन में भी घुस सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ किचन में नहीं घुसते हैं जब तक नहाते नहीं हैं। तो मैंने तो यही सीखा अपनी माँ से और हम लोग नहा के ही घुसती हूँ। मेरे को बहुत साल हो गए, मतलब 40 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो मैं तो नहा के ही किचन में जाती हूँ। तो सुबह जब आप नहा लेते हैं तो आपका एक नहाने का काम खत्म होता है और उसके बाद आप शुरू हो जाइए और अपना काम करते रहिए। बीच में आप मोबाइल वगैरह नहीं देखिए। कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप में भी गुड मॉर्निंग भी आते रहते हैं, कोई मैसेज भी आते रहते हैं, कुछ भी आते रहते हैं, अपने घर वालों के हैं या दोस्तों के हैं या किसी के भी हैं। तो उन चीज़ों को आप पहले ना देखें, आप पहले अपना काम करें। क्योंकि जैसे ही हम मोबाइल हाथ में लेंगे वैसे ही हम मोबाइल में बैठ जाएंगे और हमारा कम से कम 1 घंटा खराब होगा। अच्छा, कई औरतें हैं जैसे पड़ोस ने वो आ जाती हैं तो वो हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा खराब कर जाती हैं। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं भी छोटी उम्र की थी तो मेरे पास पड़ोस ने आ जाती थी और गई फिर 2 घंटे की गई, काम तो कहीं रह गया और बातें बातें इधर की उधर की, ये बातें होने लगती हैं पड़ोसियों के बीच में, एक दूसरे पूरे पड़ोसी होती है बात इधर की उधर इधर की उधर। तो वो 1 घंटा हमारा खराब हो जाता है यदि कोई पड़ोसी आ जाता है तो, या कोई फ़ोन आ गया आपकी सहेली का आ गया या किसी का आ गया। तो फ़ोन वोन का टाइम आप फिक्स रखें, अपने काम करने के बाद फ़ोन का टाइम रखें किसी से, क्योंकि घंटों लग जाते हैं। और यदि मेरे तो फ़ोन आ जाता है तो मैं तो अकेली रहती हूँ, तो जैसे मेरी बेटी का फ़ोन आता है तो मेरी बेटी भी स्पीकर लगा के फ़ोन करती हूँ, मैं भी स्पीकर खोल देती हूँ और उसके बाद हम बातें करते जाते हैं, काम करते जाते हैं। वो भी अपना काम करती है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, सब लोग होते हैं तो हम स्पीकर नहीं खोल सकते। यदि आप अकेले हैं तो आप स्पीकर खोल के बात करें और अपना काम करें। मेरा पूरा खाना बन जाता है, मेरे चाय के बर्तन हो जाते हैं, सब हो जाता है स्पीकर में, हम मतलब बातें करते रहते हैं स्पीकर खोल के और काम सारा हो जाता है। जैसे सफाई करती हूँ उस टाइम या तो प्राची का फोन आता है या मैं खुद लगा लेती हूँ उसको अगर, तो फिर हम अपनी सारी बातें भी कर लेते हैं, सफाई भी होती जाती है। उसके बाद मैं खाना बना लेती हूँ, खाना भी बन जाता है, चाय वाय के बर्तन भी हो जाते हैं, तो इतना काम हो जाता है और हम बातें करते ही रहते हैं तो हमारी बातें भी हो जाती हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो ऐसे करिए अगर आपको करना है तो, और नहीं तो फिर फ़ोन का टाइम दूसरा रखिए और अपना काम कीजिए। तो काम को सबसे पहले जो आपको काम जरूरी है वो करना है, अपने बच्चों का स्कूल भेजना है बच्चों को और पति को ऑफिस भेजना है, उसके बाद आप शुरू हो जाइए अपने काम में और लगातार करिए काम को। बीच में आप ना बैठे, थोड़ी सी थकान आ जाती है, खैर कोई बात नहीं, तो बीच में एक कप चाय ले लीजिए। यदि चाय की शौकीन है तो थोड़ी सी चाय ले लीजिए। मैं भी यही करती हूँ कि जब मैं एक बार थक जाती हूँ तो एक बार मैं बीच में चाय ले लेती हूँ। तो चाय लेने से ये होता है कि थोड़ा सा मैं बैठ भी जाती हूँ और मुझे फुर्ती भी आ जाती है चाय से। तो आप टाइम मैनेजमेंट रखिए टाइम का और काम करते जाइए और सुबह जल्दी उठिए। 1 घंटा जल्दी उठने से आपका काम हो जाएगा। एक बार खुली हवा में निकलिए सुबह से आपकी जो ताजगी आएगी आपको काम करने की वो बहुत बढ़िया आएगी। सुबह आप उठते ही खुले आसमान को देखिए, ठंडी हवा लीजिए
और अपने दरवाजे को खोलिए, घर के दरवाजे को, और जो सुबह का नज़ारा होता है उसको देखिए, उसके बाद आप काम में लगिए जो भी काम आप करती हैं। दो दो मिनट के टाइम की अहमियत समझें कि इस दो मिनट में या इस पाँच मिनट में मुझे ये करना है, इस पाँच मिनट में मुझे ये करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले सबसे पहले दरवाज़ा खोल लेती हूँ। मैं तो शिप्रा घर से आती हूँ, फिर भी मैं एक बार दरवाज़ा खोल के अपने जो बाहर का नज़ारा है उसको देख लेती हूँ। उसके बाद बेटा मेरा उठता है, जितनी देर में उठ के वो फ्रेश वगैरह होता है इतनी देर में मैं अपना गर्म पानी ले लेती हूँ, उसका गर्म पानी भी करके रख देती हूँ, और फिर बस साथ ही मैं चाय और पराठा बना लेती हूँ। तो इतनी देर में मेरा बेटा नहा लेता है और फिर उसको नाश्ता दे देती हूँ, मैं नाश्ता ले लेती हूँ और अपनी दवाई ले लेती हूँ। तो अपने टाइम को मैनेज रखें, और जैसे ही बेटा मेरा जाता है उसके बाद मैं सफाई घर की शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ शिप्रा भी आती है, स्कूटी उसकी रहती है, तो 8:15 शिप्रा आती है तो मैं 8:15 से पहले पूरे घर में झाड़ू दे लेती हूँ, क्योंकि किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं होता है। इसलिए मैं टाइम को मैनेज रखती हूँ कि जैसे शिप्रा आएगी उससे पहले मैं झाड़ू दे लेती हूँ, शिप्रा जाती है उसके बाद, जैसे 8:20 में शिप्रा निकलती है तो मैं 10 मिनट फिर बैठ जाती हूँ और फिर मैं अपने घर का पोछा लगाती हूँ या बाहर की जो फर्श है, रैंप वगैरह, उनको धोती हूँ। उन सबके जाने के बाद रुक के धोती हूँ, तो 10 मिनट जो मैं रुकती हूँ उसमें मैं बैठ जाती हूँ या अपनी चाय दोबारा पी लेती हूँ या फिर सफाई के बाद चाय पीती हूँ, ठाकुर जी को नहलाती हूँ, सब करती हूँ। तो टाइम को मैनेज रख के आप काम करें, और मोबाइल को थोड़ा सा बाद में देखें, जब सारा काम हो जाता है उसके बाद मैं मोबाइल को देखती हूँ अपने। पहले मैं अपना काम करती हूँ उसके बाद मैं मोबाइल को देखती हूँ, यदि बीच में कोई फोन आ जाता है तो फिर मैं स्पीकर खोल के बात कर लेती हूँ और अपना काम करती जाती हूँ। तो ऐसी कोई मैं बातें करती नहीं हूँ कि किसी की बुराई करूँ भलाई करूँ, इसलिए मैं खुली बातें करती हूँ, इसलिए मैं स्पीकर खोल के करती हूँ। तो कोई अगर सुनता भी है तो पहली बात तो मेरे घर में कोई नहीं है, और यदि कोई सुने भी तो हम ऐसी कोई बात करते नहीं हैं कि किसी की बुराई करें या भलाई करें, तो ऐसी बात कर लेते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो बस काम का मैनेजमेंट रखें और आप बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करें, तो सुबह आपका सारा काम 10 से 11 बजे तक निबट जाएगा, और आप फिर बाकी आपके पास जो टाइम है उसको आप फिर मैनेज कर लें। जैसे भी आपके कोई वापस आपके पति ऑफिस से आ रहे हैं या लंच में आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं तो फिर उनको संभालना है, तो एक पंथ दो काज कीजिए। जैसे कोई भी आप काम कर रही हैं, आप टीवी देखती हैं, तो ये नहीं कि टीवी देखने जा रही हैं खाली बैठी, खाली नहीं बैठना है, आपको कोई सब्जी काट लेनी है या कोई और आपके कपड़े समेटने, आपके धोए हुए कपड़े वो समेट लें, या टीवी वगैरह हम जब देखते थे, अब तो नहीं देखती हूँ मैं टीवी, जब टीवी देखती थी तो मैं अपने काम को सारा कर लेती थी। सुबह जब हमारे घर में ही टीवी नहीं हुआ करते थे और हमारे आसपास इनके मामा जी वगैरह रहते थे, वहाँ हम टीवी देखने जाते थे। संडे को तो रामायण वगैरह आती थी, तब हम सुबह ही अपना काम कर लेते, और जैसे ही थोड़ा सा इंटरवल होता था उसमें हम फटाफट खाना खाने आ जाते थे, मैं खाना वगैरह तैयार करके जाती थी। इसी तरह यदि फिर टीवी आ गए घर में, तो टीवी में जो शाम को प्रोग्राम आते थे तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रोग्राम आते थे, सीरियल वगैरह, तो 7 बजे से पहले मैं अपना काम निपटा लेती थी और फिर 7 बजे हम बैठ जाते थे। इस बीच में जैसे ही कोई ऐड आया, कुछ आया, उस बीच में मैं खाना वाना लगा देती थी सबका, जब परिवार पूरा था मेरे पास, मेरे बच्चे थे, मेरी बेटियां थी, मेरा बेटा और सब थे, मतलब अब तो मैं और मेरा बेटा रह गए हैं, तो हम मतलब उस टाइम को मैं मैनेज रखती थी कि खाना मुझे ऐड आएंगे टीवी में तब लगाना है। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज रखें और अपने काम को जल्दी निपटाएं, लेकिन आप टाइम से काम निपटाएं, घड़ी देख के टाइम निपटाएं, जिससे आपका काम जल्दी से हो जाए। बाद में आप मोबाइल देखें, किसी से बात करें या कुछ भी करें, करती रहें, एक पंथ दो काज कर लें और टीवी देखते हुए भी आप काम कर सकती हैं, तो इस तरह से आपका टाइम बच सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।